हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में मान्यता के अनुसार देवी देवता हर वर्ष 13 माघ को स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं और देवता अलग अलग समय में स्वर्ग से वापस लौटते हैं। इस दौरान गांव में ना तो कोई शुभ कार्य होता है, ना ही वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। देवी देवता स्वर्ग से लौटने के बाद अपने अपने गुरुओं के माध्यम से आने वाला साल कैसा रहेगा मंदिरों में भविष्यवाणी करते हैं। इस स्वर्ग प्रवास के दौरान उन्हें किन किन परिस्थितियों व समस्याओं का सामना करना पड़ा अपने गुर के माध्यम से बताते हैं। रामपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध रिचोली जाग देवता ने भी स्वर्ग से लौटने के बाद गुर के माध्यम से आने वाला साल कैसा रहेगा, कैसी साल फसल होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी या नहीं और बीमारी का प्रकोप होगा या नहीं विस्तार से बताया। देवता ने भविष्यवाणी में बताया कि साल सामान्य रहेगा और कोरोना का भी प्रकोप धीरे धीरे कम होता जाएगा। भविष्यवाणी करने के बाद देवता के गुर ने सरसों के दानों के माध्यम से वहां उपस्थित लोगों की भविष्यवाणी के बारे में भी बताया। गुर ने सभी को सरसों के दाने दिए और कितने दाने शुभ और अशुभ होते हैं उस हिसाब से लोग समस्या निराकरण भी देवता से कराते हैं। मंदिर पुजारी काकू ने बताया कि ये दिन हमारा बहुत ही ऐतिहासिक होता है और हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को लोहड़ी मनाने के बाद 14 जनवरी को देवता स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं और एक माह बाद 12 फरवरी को स्वर्ग से वापस लौटते हैं। वापस लौटने के बाद साल भर की भविष्यवाणी एवं वर्ष फल सुनाते हैं। भविष्यवाणी सुनने के लिए आसपास के इलाकों से लोगों की भीड़ जमा होती है। इस बार देवता ने साल लगभग अच्छा रहने की भविष्यवाणी की है। नमस्कार, मैं काकू पुजारी पिछले 24 सालों से इस देवमान की सेवा में हूँ। यह हमारा बड़ा ऐतिहासिक है जो कई वर्षों से पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो हमारा संस्कृति और कल्चर को दर्शाता है। हमारे लोहड़ी मनाने के बाद 13 जनवरी को मनाने के बाद 14 फरवरी की सुबह ये देव शक्तियाँ स्वर्ग प्रवास में जाती है। पूरा एक महीना स्वर्ग प्रवास में रहने के बाद आज आती है 12 फरवरी को, और आज आने के बाद यहाँ पर हमारे पूरा इलाका आता है और देवता के आने का हमारे देवता साहिब का स्वागत करता है और पूरे साल का विषय देवता साहिब बताता है, चाहे अपने हर चीज़ का लोगों को बताता है, आशीर्वाद देता है। और इस बार भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बताया, सबको आशीर्वाद भी दिया और सब पूरी आस्था से आते हैं, इलाके से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। धन्यवाद। कुलदीप ने बताया कि हमारी मान्यता और इतिहास बताता है कि देवी देवता माघ महीने में एक माह के लिए स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं। स्वर्ग में जो भी घटनाएं होती हैं और भविष्य की जानकारी लेकर देवी देवता वापस आते हैं। अपने अपने मंदिरों लौटने के बाद साल कैसा रहेगा भविष्यवाणी गुर के माध्यम से बताते हैं। टेम्पल कमेटी में एक सदस्य हूँ। जैसे कि विधिवत सभी को आज मालूम है कि आज मनगौण का दिन है, जो कि वर्षों से चला आ रहा है। इसमें क्या होता है कि देव समाज जो है देव स्वर्ग प्रयास पे जाते हैं, आवास पे जाते हैं, इसमें क्या माघ के महीने में, और एक महीने का ये सफ़र काट के आते हैं। अभी जो आज फागुन की संक्रांति हुई, इसमें जब साहब ने जो भविष्यवाणी की है कि फ्यूचर में आगे जो वर्ष फल कैसा रहेगा, लगभग जैसा हमने सुना तो लगभग कम से कम वर्ष फल लगभग ठीक है, कहीं फसल भी है कहीं नहीं भी है, जो भी है। तो इस हिसाब से जो है आने वाला जो जैसे कोविड का चल रहा है, कुछ और भी चल रहा है, साहब ने बोलते हैं कि भाई लगभग ठीक है, ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं कह सकते, इतना ही आज हमारा। सीमा भारद्वाज रचोली निवासी ने बताया कि आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि एक महीने बाद अपने इष्ट देवता स्वर्ग से लौटे हैं। हर साल एक माह के लिए देवता स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो साल भर की भविष्यवाणी लेकर आते हैं। हम सभी उत्सुक रहते हैं कि हमारा साल कैसे गुजरने वाला है और फलादेश देते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला साल अच्छा गुजरने वाला है, आगे चलाते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो देश है गांव में बटा हुआ है और देवी देवता की आस्था में बंधा हुआ है, और लोग विश्वास करते हैं कि जब देवी देवता स्वर्ग लोक से वापस धरती लोक पर आते हैं तो वो पूरे साल के लिए एक भविष्य
भविष्यवाणी वो लोगों के लिए करते हैं और लोगों की आस्था भरपूर इसमें बनी हुई है कि लोग जो भी भविष्यवाणी हमारे देवी देवता लोगों के लिए आप कह सकते हैं यहाँ की फसल को लेकर, यहाँ के बाग बगीचों को लेकर, लोगों की जीवन को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, इन सभी को लेकर हमारे जो देवी देवता हैं वो भविष्यवाणी करती है करते हैं और सकुशल लोगों के जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए कामना करते हैं और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं और उस जो आपका जो राशि फल के अनुसार या जो आप कहें कि जो साल का जो एक फलादेश यहाँ पर देवी देवता करते हैं उसके अनुसार उसका वो पालन करते हैं। आप